Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Academy पे follow. नमस्कार दोस्तों, Wi-Fi Study में आपका स्वागत है. कैसे हो? बढ़िया, first class. जैसा कि आपको सभी को विधिवत रूप से ध्यान है कि हमारी कल जो वाक्य शुद्धि थी वो समाप्त हो चुकी थी. कुछ बच्चों ने कहा क्या है क्या नहीं है. देखो, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ वो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ इस समय. जो आपके आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, यूपी पुलिस हो चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, दो या तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से आ रहे हैं कि प्रमुख कवि होता है उसकी रचना पूछी जाती है, किसकी रचना है. तो हम शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर. कवि का नाम है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर. बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे जानते हैं. रामधारी दिनकर राष्ट्र कवि रहे, बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं. और राजस्थान के बारे में तो स्पेशल कहा है कि जब जब भी मैं इस वीर प्रसूता पर अपना कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है, कहीं मेरे पैरों के नीचे किसी वीरांगना की समाधि ना हो. क्योंकि राजस्थान में वीरों का प्रदेश रहा है और यहाँ पर वीरों का कोई मोल नहीं है. तो रामधारी दिनकर की प्रमुख कवि जो रचनाएं वह इतिहास के आंसू, ठीक है ना, बहुत अच्छी कृति है. इसके साथ साथ है आपके हुंकार, हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की है. इसके साथ है दिल्ली, यानी दिल्ली संतलन, रसवंती, रसवंती. इसी के साथ बहुत ही अच्छी कविता है इनकी, रचना है उर्वशी. ये भी पिछले एग्जाम में यूपी में पूछा गया था, उर्वशी किसकी रचना है. रामधारी सिंह धूप और कुआं, धूप और कुआं. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र, वो ये भी इनकी प्रमुख मानी जाती है कुरुक्षेत्र. इसके साथ साथ ही रश्मि रथी, रश्मि रथी, ये इनकी प्रमुख कवियां हैं जिनमें उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें उर्वशी की कहानी, एक बार वो धरती लोक पर आ जाती है, आकर्षित हो जाती है, इसके बाद वापस वो चली जाती है. इसके बाद वो हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं. इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी है जिनमें अनामिका, आपकी एक अनामिका रही है दोस्तों. इसके साथ ही इसका रहा है नए पत्ते, नए पत्ते भी इनकी प्रमुख रचनाएं रही है. कुकुर मुक्ता बहुत ही अच्छी रचना रही है, कुकुर मुक्ता, ठीक है ना. इसके साथ ही परिमल, परिमल भी इनकी प्रमुख रचना रही है दोस्तों. परिमल के साथ साथ इनकी जो रचना रहे गीतिका, सूर्य का त्रिपाठी निराला ने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही जिसमें अनामिका, नए पत्ते, कुकुर मुत्ता, परिमल और गीतिका. पहला जो कवि है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर है. इतिहास के आंसू, उंकार, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी इनकी प्रमुख रचना है, धूप और चूहा, कुरुक्षेत्र आदि. आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि फिर आपके सामने आ रहे हैं. और अगले जो हमारे कवि हैं वह है जयशंकर प्रसाद, बहुत ही अच्छे कवि हैं, छायावाद के कवि भी माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद. नेक्स्ट जो कवि हैं आपके वह हैं जयशंकर प्रसाद. अगर इनकी अच्छी अच्छी चीजें हम देखें तो जैसे झरना, 1918 में झरना, 1918 में लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है इनकी झरना.
जो 1918 में प्रकाशित हुई और वास्तव में हिंदी जगत में एक अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही आंसू, ये 1925 के आसपास यानी 1925 में ही आई। काम, कामायनी, ये भी आपकी यूपी पुलिस में पूछा था, कामायनी भी इनकी प्रमुख कृति है। इसके साथ ही अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार, इसके साथ साथ ही प्रेम पथिक भी इनकी रचना रही है। प्रेम पथिक के साथ साथ इन्होंने चित्रधारा, देखो यहां से 101% क्वेश्चन आने वाले हैं, चित्रधारा भी इनकी अच्छी कृति रही है। महाराणा का महत्व, बहुत ही अच्छी कृति रही है इनका, महाराणा का महत्व, ठीक है ना, महाराणा का महत्व भी रही है। इसके साथ साथ ही अयोध्या का उद्धार, लहर, एक और कृति थी इनकी लहर, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जिनमें आंसू और झरना में और कामयानी इनकी बेटी के ऊपर लिखी गई कृति है, जो इसकी बेटी उसमें लिखा है, क्या कहूं जो आज ना कही, जीवन ही दुखी व्यथा रही, यानी इनके जीवन में हमेशा दुखों का ही रहा है। इसके बर्दाद है महादेवी वर्मा भी छायावाद की एक कवियत्री मानी जाती है और अपने आप में हिंदी में विशेष स्थान रखती है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में बहुत सारी कविताएं लिखी और कई रचनाएं की जो वास्तव में इतिहास में अपना नाम अमर है, जिनमें एक है, पहली इनकी है निर्जा, के बाद में है इनकी रसीम, इसके बाद ही यामा, यह भी क्वेश्चन आया था, यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख कृति है और इससे भी अच्छी है दीप शिखा, ये क्वेश्चन बहुत बार इतिहास में भी पूछा जाता है, दीप शिखा ये भी इनकी कृति रही है। इसके साथ साथ ही संध्या गीत भी इनकी प्रमुख कृति मानी जाती है, जिसमें रश्मि, निर्जा, जिनमें यामा बहुत ही इंपोर्टेंट कृति मानी जाती है। पिछले एग्जाम में यहां से पूछा गया था कि यामा किसकी कृति है, तो यामा महादेवी वर्मा की कृति है। आगे देखे हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिता थे और हिंदी जगत में इन्होंने कई कृतियां लिखी, तूफानों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई कविता है, जिनमें इनकी सबसे अच्छी है मधु कलश, इसके साथ ही मधुबाला, ठीक है ना, मधुबाला, और एक है मधुशाला, बहुत ही गजब की कृति है दोस्तों, जीवन में आपको कभी मधुशाला, आप जानते हैं मधुशाला किसको कहते हैं, आपको अगर कभी मधुशाला पढ़नी हो या कभी सुनना हरिवंश राय बच्चन की, सबसे इंपोर्टेंट जो कृति है वो मधुशाला है, जिनमें एक शराबी की कहानी है जो अमिताभ बच्चन भी कभी कभी जब इनका जन्मदिवस होता है तब गाया जाता है। मधुशाला इनकी मुख्य कृतियों में से एक कृति मानी जाती है, बिल्कुल मधुशाला बहुत ही अच्छी कृति है। हाँ, एक शराबी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो रिएक्ट करता है, किस प्रकार वो अपने जीवन में बदलता है, लेकिन लोगों ने इसको बिगाड़, ठीक है भाई। महादेवी वर्मा की यामा बहुत ही बार पूछा गया है आपके यूपी में कि महादेवी वर्मा की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो आपकी यामा मानी गई है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, नेक्स्ट कवियत्री है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी कवित्री रही है सुमित्रा नंदन पंत। अगर इसकी जो अपन बात करें तो सबसे जो पल्लव, बहुत ही अच्छी कविता रही इनकी पल्लव, इसके बाद इन्होंने लिखी वीणा,
वीणा भी इन प्रमुख कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में स्वर्ण किरण लिखी इन्होंने। इसके बाद में ग्राम्या, ठीक है, और इसके साथ साथ ही उच्छ्वास भी इन्हीं की कृति मानी जाती है। युगांत भी इनकी प्रमुख कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे है नरेंद्र शर्मा, बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं नरेंद्र शर्मा। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी, जैसे प्रभात फेरी, महत्वपूर्ण कल बच्चे कह रहे थे गुरुजी कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई बीमार चल रहे हैं, काहे का कंफ्यूज है, आपके लिए फिर भी तैयार होकर आना पड़ता है इतना टाइट होने के बावजूद भी, कि चलो पढ़ाते हैं। प्लास वन भी इनकी अच्छी कृति है। प्रभासी के गीत, ये भी प्रमुख कृतियों में मानी जाती है। प्रभासी के गीत, ये नरेंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। आगे देखें हम, आगे हैं केदार सिंह। इससे पहले मुक्तिबोध की पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कवि रहे हैं मुक्तिबोध। इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण कृति है वह है चांद का मुंह टेढ़ा है। बहुत ही अच्छी कृति लिखी इन्होंने, चांद का मुंह है टेढ़ा है, सबसे महत्वपूर्ण कृति है चांद का मुंह टेढ़ा। किसकी कृति है तो सीधा नाम देना है मुक्तिबोध। आगे है रघुवीर सहाय। इन्होंने भी अपने जीवन काल में हिंदी को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हिंदी में बहुत सारी कृतियां लिखी, जिनमें बहुत सारी कृतियां अपने पास में है, जैसे लोग भूल गए हैं, बहुत ही अच्छी कृति है। लोग भूल गए हैं, बहुत सबसे अच्छी कृति मानी जाती है। इसके साथ ही है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है ना, आत्महत्या के विरुद्ध एक बहुत ही अच्छा शानदार रहा इनका एक कृति, जिन्होंने हमारे जो समाज है उनमें एक अच्छी छाप छोड़ी। इसके साथ ही हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे कहानीकार भी रहे और कई हिंदी में ऐसे कई, जिसको अपन शब्द नहीं दे सकते, ऐसे कई रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया जो शायद ही बिल्कुल रही, जैसे भारत भारती। ये इसकी इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है जो 1912 के आसपास लिखी गई। इसके साथ ही द्वापर, ये भी इनकी बहुत ही शानदार कृति द्वापर मानी जाती है। द्वापर युग के बारे में ये 1936 के आसपास लिखी गई। यशोधरा, ये सबसे इंपोर्टेंट कृति है इनकी। इसमें जब भगवान बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं तो वो और लोगों को किस प्रकार से अपना व्याख्यान सुनाती है, सखी मुझे वो कहकर तो जाते, इनकी ये लाइनें से स्टार्ट है। यानी इन्होंने यशोधरा का जो वर्णन किया है कि उसकी जो मनोस्थिति है, वो जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो किस प्रकार से उनकी मनोस्थिति हो जाती है। पंचवटी भी इन्हीं की रचना है। इसके साथ साथ प्लासी का युद्ध, बहुत ही अच्छी कृति मानी जाती है। प्लासी का युद्ध, ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पद, नरेंद्र शर्मा, रघुवीर साय, मैथिली शरण गुप्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का है, जिनमें मुक्तिबोध की, चांद का मुंह टेढ़ा,
मैत्री शरणगुप्त की भारत भारती द्वापर यशोधरा जो सबसे महत्वपूर्ण रही है, जिन्होंने वास्तव में इस शिक्षा जगत में हिंदी को दुर्लभ चीजें प्रदान की है। और बहुत इसकी जो लाइनें मैंने अभी कहा था आपको, इसकी पंचवटी भी मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख कहानियों में से एक कृति मानी जाती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं दोस्तों। पढ़ाई वढ़ाई किया करो भाई, सारी चीजें आपके एग्जाम से पहले पहले मैं सारी चीजों पर एक बार आपकी नजर करवा दूंगा ताकि वीडियो में आपको प्रॉब्लम ना हो ना। आते हैं ना क्वेश्चन तो आते हैं ना भाई। आगे है प्रेमचंद, और ये इनको आप जानते ही होंगे, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता। देखो प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाए तो इन्होंने उस समय की सोच, देखो जमाना उस समय जब ये कृतियां लिखा करते थे तो जमाना क्या था, लेकिन इनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, ये बातें इनको ढंग से ध्यान थी। और इन्होंने कही कहानियां, बूढ़ी काकी, पूस की रात, सवा शेर गऊं, बहुत सारी रंगभूमि, बहुत सारे क्या कहते हैं उन्हें उपन्यास और कहानियां, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ये इनकी इतनी अच्छी कहानियां थी कि बचपन में आपको पढ़ने पर भी मिली होंगी आपने बूढ़ी काकी। देखो आज जो वास्तव में वर्तमान समय में जो भारत की दुर्दशा है, जो भारत की जो स्थिति है, उसका वर्णन उन्होंने उस समय कर दिया था कि भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से रहेगी और इस प्रकार से होगी। आज जो वृद्धों के साथ जो स्थिति होती है बूढ़ी काकी में, तो इनकी सबसे पहला देखते हैं अपन सेवा सदन, इनका प्रमुख कृतियों में से एक कृति है। इसके साथ ही सेवा सदन के साथ साथ क्रम भूमि, गवन, गोदान, बहुत जिसका उपन्यास में सबसे जो इंपॉर्टेंट उपन्यास माना जाता है वो आपका गोदान माना जाता है, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा है। और मंगल सूत्र, एक मर्म स्पर्श कहानी है मंगल सूत्र, जब आप इसे पढ़ोगे तो वास्तव में आपकी आंखों में से अश्रुधारा निकलेगी कि एक जो महिला होती है वो किस प्रकार से प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम भी इसकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। निर्मला और रंगभूमि, इनकी प्रमुख कृतियों में से निर्मला और रंगभूमि इनकी प्रमुख कृतियों में से मानी जाती है। उपन्यास में उपन्यास गोदान, इसके साथ ही देव कहानियां में बताया था नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सवा शेर गेहूं, ये इनकी प्रमुख कृतियों में से भी मानी जाती है। आगे देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी एक अच्छे कवि रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है भाई, कैसे अपनी बात, बहुत इनकी सबसे प्रमुख कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। इसके साथ साथ ही अनायास का, अनायास का तो चारु चंद्र लेखन और पुनर्वा, पुनर्वा इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति में से एक कृति मानी जाती है पुनर्वा, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें जैनेन्द्र, जैनेन्द्र भी हिंदी जगत के महान कवि और लेखकों में से प्रमुख कवि और लेखक माने जाते हैं। इन्होंने भी कई कहानियों का निर्माण किया है, जैसे हम बात करें सबसे इंपोर्टेंट इनकी रही है त्याग पत्र, बहुत ही अच्छी कहानी रही है जो भारत के इतिहास में जब अंग्रेजों का जमाना 1937 के आसपास बहुत ही अच्छी तरह से रही है। उसके साथ इन्होंने कल्याणी लिखी है, कल्याणी भी इनकी प्रमुख करती रही है, ठीक है। इसके साथ साथ ही मुक्तिबोध, परक, परक इनका शानदार कृति रही है। परक के बाद में इन्होंने सुखदा, सुखदा भी इनकी प्रमुख कृतियों में से कृति मानी जाती है।
अब देखो आपको तो कहीं वो ध्यान नहीं हुआ गुरु जी पता नहीं क्या, क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं है कि ये कृतियां भी वास्तव में इन्होंने लिखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां थी। इसके साथ साथ अनाम स्वामी और दर्शक, देखो बहुत अच्छी कृति रही है, एक नाटक भी कहा जाता अनाम स्वामी और दर्शक, ये महत्वपूर्ण कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, ये प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्लास में भी हम इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप क्लास को ऐसा मत, कुछ बच्चे क्या है कि पता नहीं क्या सोचते, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल शांत स्वभाव से इनको जैसे रटोगे, यूट्यूब पे ऐसा शायद ही कोई है जो प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां आपको, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही इफेक्ट डालने वाली है। आप यूपी पुलिस को मैंने 3-4 चीजें पढ़ाई जो वास्तव में यूपी पुलिस में आई थी, और अब भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को बताएं, ताकि उन गरीब बच्चों का भला हो सके, और जो फालतू के बच्चे जो कमेंट करते हैं उनको थोड़ा दूर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।